नमस्कार, लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 8वीं कड़ी। इससे पहले की कड़ियों में आपने देखा कि कुबेर ने अपनी पत्नी मंजू के बारे में जो कुछ सुना, उसकी प्रतिक्रिया में उसका मन गृहस्थी से ऊब गया और बिना सोच विचार किए वह संन्यास के पथ पर अग्रसर हो गया। कुबेर का पत्र पढ़कर मंजू पर क्या बीतती है, यह जानने के लिए हमें चलना होगा कुबेर के गांव। तो आइए चलते हैं कुबेर के गांव, जहां उसके माँ बाप और उसकी पत्नी मंजू कुबेर के पत्र की प्रतीक्षा में बैठी हैं। करीब 10 दिन बाद मंजू को कुबेर का पत्र मिल गया। शाम के समय डाकिये ने मंजू के ससुर को चिट्ठी देते हुए कहा, पंडित जी, आपकी बहू के लिए कुबेर की चिट्ठी आई है। कुबेर की चिट्ठी आई है? यह बात सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। बहू की चिट्ठी थी तो काशीराम ने वह पत्र बहू को दे दिया। शादी के बाद कुबेर का मंजू को भेजा यह पहला पत्र था। पत्र देखकर मंजू का दिल बल्लियाँ उछलने लगा। कुबेर शादी से पूर्व भी बहुत सुंदर शब्दों में उसे पत्र लिखता था। अब तो पत्र में मिठास और बढ़ गया होगा, यह सोचकर मंजू भागकर अपने कमरे में चली आई। वहां जाकर उसने फौरन कुबेर का पत्र लिफाफे से बाहर निकाला, लेकिन यह क्या, चिट्ठी की पहली लाइन पढ़कर मंजू का उत्साह ठंडा पड़ गया। वह जैसे जैसे पत्र को आगे पढ़ती जाती, उसे उसके पैरों तले की जमीन खिसकती महसूस होती। आखिर सिसकते सिसकते उसने पत्र पूरा पढ़ ही लिया। वह सोच रही थी कि कुबेर ने पत्र में जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः सत्य ही तो है। मंजू ने वास्तव में बंटी के जैसे कई लड़कों पर अपना जादू चलाया और कई दिनों तक उन्हें अपने इशारों पर भी नचाया था। पत्र लेकर जब मंजू अपने कमरे में गई तो काशीराम ने कुबेर की माँ को भी कुबेर का पत्र आने की सूचना दे दी। कुबेर की माँ खुशी से मानो झूम उठी। वह बोली, बहू को बुलाओ, वह भी आस में बैठी है कि कुबेर की सार खबर कब आएगी। वह भी चिट्ठी को सुन लेगी तो उसे भी तसल्ली हो जाएगी। यह सुनकर बूढ़ा बोला, अरे कुबेर की इजा, पत्र तो बहू के नाम आया है। आजकल के लड़के शादी के बाद माँ बाप से बड़ा पत्नी को समझते हैं। पत्र बहू के नाम आया है? यह सुनकर कुबेर की माँ को भी थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने बूढ़े को समझाते हुए कहा, कुबेर के बाजू, तुम भी तो अपनी बात याद करो। नई नई शादी है, इसलिए कुबेर ने बहू के नाम से ही पत्र भेजा होगा। हमारे लिए भी पत्र में दो अक्षर तो लिखे ही होंगे उसने। मेरे कुबेर की सार खबर मिल गई, हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मंजू को पत्र को पढ़े 1 घंटे से भी अधिक का समय हो गया। वह इस सोच में डूबी थी कि अब सास ससुर को पत्र के बारे में क्या बताएगी। वह कुबेर के बारे में सच सच बताती है तो उसकी पोल खुलती है। उसे अपने बीते हुए दिन रह रह कर याद आते और वह स्वयं को दोषी मानकर अकेली आंसू बहाती जाती थी। कभी वह सोचती कि कुबेर को पत्र लिखकर अपनी पूर्व की गलतियों के बारे में सच सच बता दें, लेकिन अगले ही पल वह सोचती कि क्या कुबेर यह सब पढ़कर उसे माफ़ कर देगा। कभी वह बंटी और रवि को कोसती जिन्होंने आज उसकी वैवाहिक जिंदगी को उजाड़ दिया। कुबेर की माँ ने इस बीच घर के कई सारे काम निपटा लिए। उसने शाम के भोजन के लिए सब्जी काटी तथा चूल्हा जलाकर चाय तैयार कर ली। काशीराम और उसने चाय पी और बहू को भी चाय पीने के लिए आवाज़ लगाई। इसके बाद उसने सब्जी चूल्हे में चढ़ाई और आटा गूंथने लगी। मंजू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किस मुंह से सास ससुर के सामने जाए। वह सोच में डूबी थी कि यदि हकीकत में कुबेर ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो क्या होगा। मेरी वजह से इन दोनों का बुढ़ापे का सहारा भी हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर चला जाएगा। इसी धुन में वह सास की चाय के लिए उसे दी गई आवाज़ भी भूल गई। काशीराम ने नंदुली से कहा, कुबेर की इजा, जरा जाकर देखना, कहीं बहू सो तो नहीं गई? क्या बात, वह तो चाय पीने भी नहीं आई अभी तक। नंदुली को काशीराम की बात में कुछ सच्चाई लगी। वह बहू को आवाज़ देते हुए उसके कमरे के पास चली आई।
मंजू के कान में जैसे ही सास की आवाज़ सुनाई दी, उसने तुरंत पत्र को सिरहाने के नीचे छिपा दिया। अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछकर वह दरवाजे के पास आ गई। उसकी सास उसका चेहरा देखकर भांप गई कि मंजू अभी तक रो रही थी। उसने सोचा, नई नई शादी हुई है, हो सकता है कुबेर का पत्र पढ़कर इसे उसकी याद आ गई होगी। बहू शायद इसीलिए रो रही होगी, इसलिए उसने मंजू से पूछा, बहू रो क्यों रही थी, सब ठीक है ना, कुबेर ठीक ठाक पहुंच गया था ना ड्यूटी पर। मंजू क्या जवाब देती, उसने सिर नीचे कर लिया। सास ने समझा बहू शर्मा रही है। वह बोली, पगली शर्माया न कर, मैं तो तेरी माँ जैसी ही हूँ। अच्छा चल पहले चाय पी ले, उधर तेरे ससुर जी कुबेर की सार खबर सुनने को बेचैन हो रहे हैं। यह कहकर वह मंजू को अपने साथ रसोई में ले आई। तो ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 8वीं कड़ी। आगे की कहानी के लिए अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार की सभी कड़ियाँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।